मामी लड़ रही है पीछे पहन लिए मेहंदी के लिए। नहीं लगवाते मेहंदी, घर जाके लगवा लूंगी। मेहंदी काफी अच्छी लगा रहे हैं, बट वही है मामी प्राइस। छोटी सी मामी कैसा है? अच्छा, ये हाथों की है, देख लो अच्छे से। मैंने और नेल्स भी अच्छा लग रहा है, येलो कलर का है मामी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पासी की मार्केट, मतलब हमारे पास में आरिसमाज रोड है, तो मैं वहीं जा रही हूँ क्योंकि करवा चौथ के लिए मेरे को कोई छोटा मोटा सामान लेना है। मैं लास्ट टाइम साड़ियाँ लेकर आई थी, मतलब साड़ी लेकर आई थी, बट मैं उसका शेप वेयर पेटीकोट वगैरह नहीं लेकर आई हूँ, तो आज मुझे वो भी लेना है। और मुझे अपने टेलर के पास भी जाना है कि उन्होंने फिटिंग्स कैसे कर दी हैं, बना दिया है तो वो कैसा लग रहा है, वो फिटिंग चेक के लिए भी जाना है। और मार्केट में और भी दो तीन छोटे मोटे काम है करवा चौथ से रिलेटेड, तो वो भी करके आएंगे। मैं जाने वाली थी अपनी मामी के साथ, जिनके साथ मैं लास्ट टाइम गई थी, बट आज मेरी मम्मी भी दिल्ली आए हुए हैं, तो वो भी हमारे साथ जाएंगे। मम्मी दिल्ली क्यों आए हैं वो आप मम्मी के व्लॉग में जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं मार्केट, देखो हमें कौन मिला। यहाँ देखो मार्केट में आती बैंगल्स का कितना अच्छा वो लगा हुआ है, बैंगल्स 100 रुपीज का। ये पूरा सेट जो है ना ये 100 रुपीज का है, मेरे को काफी सही लगा। बट मैं तो ऑलरेडी चूड़ियाँ ले चुकी हूँ, वहाँ मम्मी ले रही हैं अपने लिए। और यहाँ सामने ना लड़ाई हो रही है, तो इतनी भीड़ लगी हुई है, देखो बिल्कुल सामने ना लड़ाई हो गई है इतनी भीड़ में, और कोई इधर से उधर नहीं हो रहा। मार्केट में इतनी भीड़ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कुछ देखने को भी नहीं आ रहा। और दिवाली का सामान भी मार्केट में आ चुका है। हिना को चुन्नी लेनी थी और कुछ डाई भी करवाना था, तो हम ये चुन्नी वाले भैया की शॉप पे आए हैं। तो ये खड़ी है हिना, क्या करवा रही है हिना? डाई करा रही हूँ, शेप वेयर का ना कलर नहीं है। अच्छा, डाई हो जाएगा। हाँ। ये चुन्नियों की दुकान है, हिना को चुन्नी भी डाई करवानी थी और भी कुछ काम था, पेटीकोट वगैरह लेने, साड़ी तो ले ली। पेटीकोट यहाँ से मिल जाएंगे? हाँ। अच्छा, पहले भी हिना के लिए यहीं से लगी थी। अच्छा अच्छा, और वो जो फैब्रिक होगा ना वो इससे बढ़िया वाला होगा ये पेटीकोट। तो ये हिना अपनी साड़ी के लिए ना पेटीकोट भी देख रही है और चुन्नी भी लेनी है इसको। ये वाली शॉप से मैंने पेटीकोट जो लेना था वो ले लिया है, मैंने 3 लिए हैं, जिसमें 2 मैं डाई कराऊंगी और एक मैंने परफेक्ट कलर मिल गया। मामी अपने लिए कुछ ब्लाउज वगैरह देख रही हैं और साथ में है जूस की दुकान, तो मैं जा रही हूँ पानी लेने वहाँ पे क्योंकि बहुत तेज प्यास लग रही है। मामी ये ब्लाउज देख रही हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, येलो कलर का है, मामी की साड़ी के साथ मैचिंग, रेड के साथ येलो, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। मामी ले लो, सिलवाने से अच्छा है मामी, बहुत पैसा लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए क्योंकि करवा चौथ को सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मेरे छोटे मोटे काम अभी भी बाकी हैं, तो मैं फटाफट से भाग रही हूँ मार्केट के लिए, आपको मार्केट में भी दिखाऊंगी। और मैंने नेल्स करा लिए हैं, देखो बहुत प्यारे सिंपल से नेल्स कराए हैं, पैरों के भी कराए हैं, वो भी दिखाऊंगी। आज मेहंदी भी लगवा के आऊंगी, तो चलते हैं फिर। आयुष्मा रोड पहुँच चुकी हूँ और मेरे साथ है एज यूजल मामी। हेलो, और हम लोग जा रहे हैं नंदा पे, दोबारा से मैं जा रही हूँ नंदा पे क्योंकि है मुझे कुछ काम, वहाँ से कुछ सामान लेना है, तो फटाफट मैं पहले नंदा पे जा रही हूँ, उसके बाद आगे कहीं मेहंदी वगैरह लगवाएंगे। मैं नंदा पे पहुँच चुकी हूँ, तो अंदर जाके देखते हैं पहले। मुझे नहीं लगता अंदर मैं वीडियो बना पाऊँगी, बट हाँ स्टिल चलते हैं नंदा पे। काफ़ी प्रिटी कलेक्शन रहती है इसकी तो हमेशा। मैंने जो सामान नंदा से लेना था वो मैंने ले लिया है और अब चलते हैं। चलो पहले तुम लोग, अब चलते हैं आगे और चीज़ें करने। आपको शॉपिंग नहीं करनी? करूंगी अभी। करोगी? मामी मामी बेचारी तो मामी बेचारी मेरे पीछे घूम रही है रोड पे। कोई नहीं, पहले बच्चे फिर आप, फिर तू चली जाएगी, फिर मैं आराम से कर लूंगी। हाँ, मैं तो आज चली जाऊंगी रात को। ट्रैफिक देख लो भाई कितना ज़्यादा है, ये देखो। और मैं अब ये ट्रैफिक से कैसे ही निकलूँ, इससे अच्छा मैं यहाँ पे वड़ा पाव खा रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रही है भूख, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। यहाँ पे मामी भी है मेरे साथ और हम पहले वड़ा पाव खाएंगे, बाद में दूसरा काम करेंगे। मेरा वड़ा पाव आ चुका है, मैंने तो एक बाइट ले भी ली, मेरे को इतनी भूख लग रही थी। मामी को देखो, छोटी सी मामी कैसा है? अच्छा, ये देखो कितना शोर मचा रहे हैं, देखो कितना शोर है।
शादी से पहले हाँ, और इन्हीं आंटी से खाते थे, तभी इन्हीं आंटी को देख के हमने दोनों ने इकट्ठे बोला अब यहाँ कैसे आ गए। आज आंटी की लोकेशन चेंज थी। भीड़ देखो, भीड़ मार्केट में। ये देखो फेस्टिव वियर की कलेक्शन बड़ी बहुत अच्छी आई हुई है, और इधर सारे मेहंदी वाले भैया बैठे हुए हैं। मैं भी रेट पूछ लेती हूँ एक बारी। काफी अच्छी कलेक्शन है। ये रेड कलर का सूट काफी अच्छा लग रहा है ना, ये रेड वाला है? ये भैया क्या बेच रहे हैं? ये छोटा मोटा सामान बेच रहे हैं, रबड़ वगैरह का। क्यूट है ना भाई। ये लोग मेहंदी नहीं लगा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। 1200-1200 रुपए का एक हाथ दो हाथ ऐसे बोल रहे हैं। मैं तो कभी ना लगाऊं इतना महंगा। देखो मैं तो मामी को बोल रही हूँ रहन दो, नहीं लगवाते मेहंदी, घर जाके लगवा लूंगी कुछ। भाई इतने ज्यादा पैसे बता रहे हैं लोग। मामी कह रही है सगन तो करना पड़ेगा। और कुछ तो इनको इनसे रेट मुका लो, इतने ज्यादा रेट बता रहे हैं ये लोग। हाँ मामी अपने लिए चप्पल देख रही है, 250 रुपीज काफी सारी है। 250 रुपीज दिखाना मामी अपनी वाली, अच्छी लग रही है। 250 की तो आएगी, सही है। फेंक दी मामी, डिसीजन चेंज। नहीं डेली डेली वेस्ट वाली लेनी। अच्छा मामी को डेली वाली चाहिए, ये हील थी मामी। हाँ बहुत बढ़िया क्यूट। ये वाली शॉप देखो कितनी जगमग हो रही है भाई, इसकी कलेक्शन काफी अच्छी है। पता है इस बार आयुष्मान रोड पे ना बहुत कलेक्शन है कपड़ों की स्पेशली, बाकी भी छोटा मोटा सामान है बट कपड़ों की कलेक्शन बहुत ज्यादा है। और दिवाली का भी देखो छोटा मोटा सामान आ गया, वो सामने भैया खड़े हैं ना तोरण वगैरह लेके। मेहंदी वाले भैया देखो कितने बैठे हैं, लोग भी लगवा रहे हैं, पर वही है इनके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। मामी पैसे पूछ लो एक बारी। ये लोग मेहंदी काफी अच्छी लगा रहे हैं बट वही है मामी प्राइस रेट बहुत ज्यादा है। मामी मेरे लिए और सर्च कर रही है मेहंदी वाले भैया, कोई तो अच्छे से भैया मिले जिनकी मेहंदी प्लस पैसे दोनों अच्छे हो। यहाँ पे हम लोग आए हैं फेनिया और मठिया लेने। फेनिया भी मैंने ले लिया और मठिया भी ले लिया, पैक करा लिया। और यहाँ मामी पी रही है पानी, मामी थक गई है, मामी लड़ रही है पीछे मेरे लिए मेहंदी के लिए, क्योंकि भैया लोग इतने इतने पैसे बता रहे हैं। मठी मामी ने ले लिया, एक बार चेक कर लो मठी फेनी सब है ना, चेकिंग सब है। चलो ये काम भी हो गया, आप और काम देखते हैं। मेहंदी वाला काम अब मामी कराएगी लड़ भिड़ के। फाइनली मेरी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है, भैया मिल गए जो कि मेरी मेहंदी लगा रहे हैं। अभी लग रही है, अभी वो स्टार्ट ही हुई है, थोड़ी बहुत लग जाएगी ना तो मैं दिखाती हूँ फिर। और मामी है मेरी कैमरा मैन। मेरी हीना मेरे को सब कुछ सिखा देगी, कोई सिखाए ना सिखाए। यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत लग जाएगी ना फिर दिखा दूँगी। मैं मेहंदी लगवा के वापस आई हूँ जस्ट अभी घर पे। मेहंदी देख लो मेरी बहुत प्यारी सी लगी है, बहुत अच्छे से लग गई। और भाई मार्केट में इतना भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, और ऊपर से इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं ना आज कि पूछो नहीं। बट फिर भी मेरी मेहंदी चलो लग गई अच्छे से, बहुत प्यारी मेहंदी लगी है। क्लिप्स आपने देखी ली होगी, वहाँ पे मेहंदी वाले भैया ने भी मेरी क्लिप ले ली थी, मामी ने भी। बहुत टचवुड यार, मामी ना बहुत हेल्प कर देती है। मामी को मैंने फ़ोन किया, आज भी मामी आए और मामी ने मेरा बहुत सारा काम करवा दिया। कुछ कपड़े लेने थे, कुछ सामान लेना था, सब मामी ने करवा दिया। और मेरी मेहंदी भी लास्ट ईयर भी, पता है अगर आपको मेरा लास्ट ईयर का व्लॉग देखना होगा ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी मेरी जो भी करवा चौथ की शॉपिंग ये छोटी मोटी थी ना, ये सब मामी करवाने गई थी, मेहंदी मामी लगवाने गई थी। और इस बार भी सेम था, तो मेहंदी लगवा के मैं आ चुकी हूँ, अभी जस्ट घर आई हूँ। तो अभी मैं पीऊंगी सबसे पहले चाय, और फिर मैं बैकपैक करके निकलूंगी गुड़गांव के लिए, फिर वहां पे आज आपको सबसे मिलवाती हूँ। मेहंदी लगवाने के बाद मेरे पैरों में भी मेहंदी लगी थी, तो मैं चप्पल पहन नहीं सकती थी, नंगे पाँव थी, और कोई रिक्शा तो आज इतनी भीड़ है तो आने को रेडी नहीं था। तो वहीं से मैंने किया मनीष को फोन, मार्केट से मुझे मनीष लेकर आया और मामी वहां से अपने घर गए। तो मनीष ने भी बहुत हेल्प कर दी कि मुझे वापस ले आए, क्योंकि वरना वहां से आने में तो बहुत मेरी हालत खराब हो जाती, क्योंकि मैं नंगे पाँव थी। मैं आपको अपने पैरों की मेहंदी दिखाती हूँ, रुको। ये है मेरे पैरों की मेहंदी, ये और ये हाथों की है, देख लो अच्छे से।
मैंने और नेल्स भी देखो सुबह दिखाए थे बट अच्छे से अभी देख लो और अच्छा मेहंदी का लुक आएगा जब एक बारी ये झड़ जाएगी और कलर आ जाएगा ना तो बहुत प्यारी लगेगी आई नो। तो अभी चलते हैं फिर। हाय एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अब हम घर के लिए निकल चुके हैं और अभी बस गांव वाले घर के लिए दिल्ली से निकल चुके हैं। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो अभी बस घर पहुंच के सब लोगों से मिलवाऊंगी। नोनी आपको मेरी मेहंदी कैसे लगी? बहुत अच्छी। अच्छी नेल्स? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो चलते हैं फिर घर पे आप लोगों को सबसे मिलवाती हूँ। कैसे हो सैनिक? गेट लॉक करने में लगे हुए हैं दोनों। हुए हुए कुंडी नहीं बंद हो रही दोनों से। तेल डाल दो ना। आगे चली जाती है। हाँ देखो मैं मेहंदी लगा रही थी अभी। हाँ क्या बात है। अभी मेहंदी दिखाओ। कैसे हो? मेहंदी सूख गई। मैंने तो देख ली थी गीली गीली सी हो रही है। लॉन्ग वाला किया था वो? नहीं घर पे कर लेना। चलो अभी वो नोकीले चम्मच से हटा लूंगी इसको। कलर आ गया काफी है ना। ये देखो गाइस भी मेहंदी लगा के बैठे हैं। नमस्ते माँ कैसे हो? बस ठीक हूँ। और सामान लाओ भाई। देखो कितना सामान लेके जाना पड़ता है लेके आना पड़ता है। ये देखो 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 कैसे लड़ते हैं ये लोग। इतना बोला तेरे बस की नहीं तो मैं भाग गई। कर ले फिर जिसके बस की है वो कर ले फिर है ना। और कुछ नहीं इतना ही। ये सामान उठा के लाती है? लाती है पर हल्के वाला सबसे। हाँ, हल्के सबसे वाला पहले निकलती है वहां से। हाँ जो हल्की हल्की थैलियां होती है ना वो उठा लेती है ये। मैं लाई तो हूं ना।